हम सब लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेने की जरूरत है। जैसा मैंने कल भी और परसों भी बोला था, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, लेकिन पिछले 10 दिन के अंदर जो प्रदूषण बढ़ा है वो आसपास के स्टेट्स में जो क्रॉप बर्निंग है उसका बड़ा कारण है। और जब मैं ये कहता हूँ, ये फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, मेरा अपना ये मानना है कि हम सब लोगों को मिलके इसका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास के स्टेट्स भी इससे सफर कर रहे हैं। केवल दिल्ली सफर नहीं कर रही है, सारे हम लोग सफर कर रहे हैं। इसमें राजनीति छोड़ के, फिंगर पॉइंटिंग छोड़ के, सबको मिलके बैठ के इसके समाधान ढूंढने पड़ेंगे और इसके समाधान सबको तैयारी इसके समाधान करने पड़ेंगे। लेकिन दिल्ली का पहले से ही बेस लेवल बहुत ज्यादा था, हम पहले से ही ज्यादा पॉल्यूटेड थे, जिसकी वजह से अब ये जो एक्स्ट्रा पॉल्यूशन आया इसने हमें और बहुत बुरी हालत में कर दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोगों ने कई एक्सपर्ट्स को भी पिछले 1-1.5 दिन में कंसल्ट किया, और अभी कई सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद कुछ इमरजेंसी मेजर्स अगले कुछ दिनों के लिए निर्णय लिया गया है। एक तो ये कि अगले 5 दिन के अंदर दिल्ली में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद की जा रही है। दूसरा, दिल्ली की सड़कों पे कल से पानी का छिड़काव बड़े स्तर पे किया जाएगा ताकि मिट्टी सेटल हो सके। तीसरा, डीजी सेट्स दिल्ली में जो हैं उनको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है, लेकिन कुछ डीजी सेट्स एसेंशियल यूटिलिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ अस्पतालों में, मोबाइल टावर्स पे, वो इससे बाहर होंगे। ये भी देखने में आया कि कई सारी कॉलोनीज में बिजली के कनेक्शन इसलिए नहीं दी जा रहे कि जी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, और उसकी वजह से वो लोग डीजी सेट्स यूज करते हैं या बिजली की चोरी करते हैं। तो ये आदेश दिया जा रहा है कि बिजली के कनेक्शन सबको दिए जाएंगे, जो मांगेगा उसको बिजली के कनेक्शन देंगे। बिजली के कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो ऑथराइज्ड बिल्डिंग हो गई है, लेकिन अगले 10 दिन के लिए डीजी सेट्स बंद किए जा रहे हैं। बदरपुर प्लांट अगले 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। बदरपुर प्लांट से फ्लाई ऐश NHAI अपनी सड़क के लिए ले जाया करता था, उस ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी फ्लाई ऐश हवा में जाती थी, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी 10 दिन के लिए बंद की जा रही है। और जो फ्लाई ऐश वहां पड़ी है उस पर छिड़काव करके, ताकि वो हवा से उड़े ना, उसको छिड़काव किया जाएगा। वैक्यूम क्लीनिंग 10 तारीख से शुरू होगी। जितनी भी मोबिलाइज हो सकती थी मशीनें वो की जा रही हैं इमरजेंसी बेसिस पे, और जितनी मशीनें आएंगी उससे उम्मीद है कि हर सड़क PWD की, अंदर तक तो नहीं जा पाएंगी, PWD की हर सड़क वो हफ्ते में एक बार वैक्यूम क्लीन हो पाएगी। 100 फुट से बड़ी बड़ी 60 फुट वाली पे, बिकॉज वैक्यूम क्लीनिंग मशीनें बड़ी होती है, वो नहीं हो पाएंगी। 100 फुट से ज़्यादा बड़ी सड़कें जितनी भी दिल्ली में है वो हर सड़क हफ्ते में एक बार हो जाएगी। दिल्ली में जितनी भी बर्निंग ऑफ लीव्स है उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। उसके लिए ऐप आज शाम तक बन जाएगा, कल उसको लॉन्च किया जाएगा। एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट स्पेशल टीम बना रहा है, कहीं से भी कोई उसका शिकायत आएगी तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की टीम उसको बुझाने के लिए जाएगी, और जिम्मेदारी उस एरिया के सैनिटरी इंस्पेक्टर और दूसरे एक दो और ऑफिसर से उन पे तय की जा रही है। जिस एरिया में बर्निंग ऑफ लीव्स मिलेगा वहां पे उन ऑफिसर्स की तनख्वाह में से फिर पेनल्टी काटी जाएगी। लैंडफिल साइट्स पे जो आग लगी हुई है उसको तुरंत बुझाने के लिए MCT को निर्देश जारी किए जा रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो स्लज, हमारे STPs में जो स्लज है उसको
वहाँ उनको दिया जा रहा है। 3 दिन के लिए दिल्ली के सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है कि समय समय पे अप्रोप्रिएट एडवाइजरी जारी करें और पहली एडवाइजरी कल जारी करें। दिल्ली के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि वो कोशिश करें जितना ज्यादा काम घर से हो सके, इंडोर रह सकें वो लोग उतना ज्यादा वो घर से काम करें, और ऑड इवन के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं हम लोग। अगर जरूरत पड़ी असेसमेंट करने पे तो आने वाले दिनों में ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी उसकी पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर उसकी हम लोग असेसमेंट करेंगे। तो ये कुछ एक सुझाव अभी कैबिनेट के अंदर आया था आर्टिफिशियल रेन को लेके, लेकिन वो केंद्र सरकार में उसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी इफेक्टिवनेस, क्या वो इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव है और हो सकता है क्या, इसको एग्जामिन करने के लिए एनवायरमेंट सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए गए हैं कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसके पॉसिबिलिटीज को और इफेक्टिव को इनस को दोनों को एग्जामिन करें। अनप्रिपेयर्ड नहीं है। अब इस स्केल के ऊपर, जैसे आप तो हर साल के हिसाब से चलेंगे, इस स्केल के ऊपर क्रॉप बर्निंग से इतना धुआं हो जाएगा ये तो किसी को उम्मीद नहीं थी। पिछले साल तो नहीं हुआ था, उसके पिछले साल भी नहीं हुआ था, और टेम्परेचर कंडीशंस ऐसी हो गई हैं, वेदर कंडीशंस ऐसी हो गई हैं, लेकिन अभी भी आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इससे राहत की उम्मीद भी, अभी कुछ दिन और क्रॉप बर्निंग होने वाली है, अभी बंद नहीं होने वाली, तो तुरंत कुछ करने की जरूरत है। पर अभी ये लगा कि स्कूल्स कुछ दिनों के लिए बंद किए जाएं ताकि बच्चों को सारे ऑल द स्कूल्स हैं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखो मैंने पहले ही बोला कि लेट्स नॉट डू फिंग, जब मैं क्रॉप बर्निंग कह रहा था इट वाज नॉट फॉर फिंगर पॉइंटिंग। आज कुछ अखबारों में वी आर पॉइंटिंग फिंगर, वी आर नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स। जरूरत है कि हम सारे मिलके बैठ के इसका समाधान निकालें। कोई बात नहीं, जो मर्जी कोई बात नहीं। मेट्रो के काम पे भी कुछ असर पड़ेगा इसका, जो उसको रोकना क्या लगता है आपको? क्योंकि मेट्रो अभी इमरजेंसी के हालात ऐसे हैं कि सब कुछ रोकने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी से डस्ट जो है उसको आप सब लोग जानते हो कि वेहिकुलर पोल्यूशन और डस्ट ये सबसे बड़े कारण है, तो इसको रोकने की जरूरत है। नो आई डोंट थिंक सो। और अगर कोई ब्लेम गेम था तो नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। Beijing closes down, you know, when levels are not even this high. Were we too late to tackle this problem? Let's do it now. Thank you.